हरियाणा के गुरुग्राम में संत रविदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सनातन और संत मत ही भारत को भारत बनाते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने संतों के सम्मान में भाजपा सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। श्री धनखड़ से पहले अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाभ सिंह आर्य, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सत्य प्रकाश रावता ने भी समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सनातनी भारत और सनातन संस्कृति ही विश्व कल्याण और मानवता की मूल विचारधारा है। भारत की इस महानतम विचारधारा का निर्माण सनातन और संत परंपरा से ही हुआ है। भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बगैर सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और भगवान रविदास कबीरदास जैसे संत मंतों के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। धनखड़ ने आगे कहा कि भारतीय परंपरा के लिए ये गर्व का विषय है कि महानतम संत परंपरा हमारी अनुसूचित जातियों से संबंध रखती है जिनकी अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। बता दें कि शुक्रवार को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह बड़ी संख्या में भव्यता के साथ मनाया गया जिसमें हजारों लोगों ने उपस्थित होकर संतों को याद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संत हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संतों के कारण ही भारत की दुनिया में अलग पहचान है। संत महात्माओं ने हजारों साल पुराने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाकर समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अध्यक्ष ने कहा कि भारत में केवल दो धाराएं दिखाई देती हैं, एक सनातन और दूसरी संत मत की धारा। इन दोनों धाराओं से भारत भारत बनता है। सनातन धारा के अगर कोई मालिक हैं, तो महर्षि वाल्मीकि हैं। उन्होंने कहा कि रामायण के बिना सनातन नहीं हो सकता और संत रविदास और कबीर के बिना संत मत नहीं हो सकता। भारत में ज्ञान की ये विरासत संतों और महापुरुषों की देन है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भारत की रचना की वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए हमें इन पर गर्व होना चाहिए। भारत में संस्कृति का आधार कहीं से खड़ा होता है तो वह अनुसूचित जाति वर्ग से होता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया ने अपने ज्ञान पर 2000 साल पहले ही ताला लगा दिया था। किसी ने 1500 साल पहले ये कह दिया ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं होगी, लेकिन भारत में संत परंपरा है, यहाँ ज्ञान की कोई आखिरी किताब नहीं हो सकती। भारत ने डंके की चोट पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और दुनिया को भी अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान और मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिरायू कार्ड देकर गरीब लोगों का जीवन सुरक्षित किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और वंचितों की पार्टी है। हमें ऐसी पार्टी पर गर्व करना चाहिए। आपको बताते चलें कि इस समारोह में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।